हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मास, वेट एंड डेंसिटी। तो चलिए, मास, वेट, डेंसिटी में हमने कुछ बेसिक्स पढ़ रखे हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी। इससे पहले मैंने मास एंड डेंसिटी में क्या कर रखा है जी, तो जी के हमने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर रखे और जी को कैसे वेरी करता है, अर्थ से ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं कैसे वेरी करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान के क्या पढ़ेंगे जी, प्रेशर पढ़ेंगे और उत्प्लावन बल पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है जी, पास्कल के नियम वगैरह पढ़ेंगे, तो गलनांक क्वथनांक पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डेंसिटी पे ज्यादातर क्या रहेगा, फोकस रहेगा। तो अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सबको बता रहा हूँ कि मेरा पुराना चैनल, इससे पहले अगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हो तो आपको मेरे पुराने वाले चैनल पे जाना पड़ेगा। अब मेरे ने एक जीनियर स्टडी चैनल बनाया है जी, इस पे आप आए हैं तो प्लीज लाइक फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जी, ये फैसिलिटी मिले मुझे, सब कुछ ज्वाइन बटन का फैसिलिटी मिले और सिल्वर बटन का भी फैसिलिटी मिले, गोल्डन बटन का भी फैसिलिटी मिले। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि फिर से नया चैनल स्टार्ट करने पे नोटिफिकेशन सबको प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ, सब कोई कमेंट कर रहा है कि सर प्रॉब्लम हो रहा है नोटिफिकेशन में। तो मैं बात मानता हूँ कि जिन नए चैनल में प्रॉब्लम होती है, क्या करूँ, मेरा पुराना वाला चैनल थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने उस चैनल पे क्या किया जी, अपडेट करना बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पे भी कोशिश करूंगा कि वहां पे भी ये वीडियो डाल दूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हमने इसमें मैटर के तीन स्टेट के बारे में हमने डिस्कस कर रखा था, पांचों स्टेट के बारे में डिस्कस कर रखा, उसके बाद में हमने बात करना है जी, जो भी मैटर है उसके क्या है जी, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रेशर और डेंसिटी का डिस्कस करेंगे जी, क्योंकि हम डेंसिटी पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्रेशर का बात करते हैं जी। प्रेशर बोला है क्या होता है, तो प्रेशर बोला है किसी सतह के उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं जी। अगर प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद रहे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया यानी कोई सरफेस एरिया, मान लीजिए कोई है ये, मान लीजिए क्या है जी, सिलेंडर है, ठीक है ना, इस सिलेंडर पे कितना प्रेशर लग रहा है हमको बताना है। इसका मतलब क्या है जी, अगर इस पे मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या जी, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस सरफेस का एरिया क्या है जी, 10 मीटर स्क्वायर है, क्या है जी, 10 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस पे अगर प्रेशर निकालना होगा तो क्या करेंगे, फोर्स अपॉन यानी 100/10, तो क्या हो जाएगा, 10 पास्कल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 पास्कल आ जाएगा। पास्कल किसका यूनिट होता है जी, प्रेशर का यूनिट होता है। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि कितना सिंपल है जी। तो प्रेशर को समझने के लिए बोला है कि इसके लंबवत कोई बल लग रहा हो, कितने जी, उस सतह पर दाब लग रहा हो, ठीक है ना जी। तो वो पार्टिकुलर क्या जी, पर क्षेत्रफल यानी पर एरिया, क्या जी, पर, देखिए दाब प्रेशर पर क्या होता है, पृष्ठ पर लंबवत फोर्स अपॉन पृष्ठ पर क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर तो हो गया, तो ऐसा यूनिट क्या है जी। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी, पास्कल ने डिस्कवर किया था तो हमने पास्कल को कर दिया जी। आगे बढ़िए, पृष्ठ और सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल या पृष्ठ के क्षेत्रफल पर अनुपात के बराबर होता है। बोल रहा है कि प्रेशर क्या होता है जी, कि पृष्ठ पे जो फोर्स लग रहा है और जो पृष्ठ का एरिया है उसका अनुपात क्या होता है जी, तो प्रेशर होता है। तो उसी टर्म को दो तीन तरह तरह क्या कर रहा है जी, बोल रहा है। तो हमको बस इतना याद रखना, हम लॉजिकली कंसेप्ट याद रखेंगे, हमको दो तीन फॉर्मूले कोई भी डेफिनेशन से याद नहीं करना है, हम लोग बेसिक फंडामेंटल याद रखेंगे और उसी से हम लोग काम करेंगे जी। आगे बढ़ रहा है, अब बोलिए अगर मान लीजिए हम लोग इन्वायरमेंट में है जी, तो इन्वायरमेंट में है तो अभी जो हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है तो वो प्रेशर वायुमंडल का लग रहा है, तो वायुमंडल का कितना लग रहा है प्रेशर, तो वो वायुमंडल का कितना होता है जी, एक बार होता है, कितना होता है, एक बार होता है, कितना होता है जी, तो एक बार होता है, एक बार बराबर क्या होता है। अब बात की जाए तो एक बार क्या होता है जी, क्योंकि हमने तो अभी तक पास्कल में पढ़ा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर में पढ़ा, तो हम बोला है एक बार बराबर 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10^5 पास्कल, ठीक है जी, ये याद कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। वही बोला है एक मिली बार, अब होते एक मिली बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ मिली लग जाएगा तो क्या हो जाएगी, 1000 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, 100 पास्कल बच जाएगा। चलिए जी इसको याद कीजिए और इसको याद कीजिए, एक टॉर्क बराबर क्या होता है, एक टॉर्क बराबर क्या होता है जी, तो देखिए एक टॉर्क बराबर होता है 1 mm
1 mm पारा, 1 mm ऑफ एच जी इंग्लिश में लिखेगा, 1 mm ऑफ एच जी इसको लिखेगा, ठीक है जी, या 1 मिलीमीटर पारा। तो ये कितना होता है जी, तो 133.85 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एक अदिश राशि है। देखिए अब प्रेशर क्या है जी, ये देखिए अगर कोई भी वेक्टर को, वेक्टर प्रेशर क्या है जी, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है, तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा जी। तो प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। मैं ये सब डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि सब हमारे सिलेबस में है जी, स्केलर वेक्टर, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, द्रव का दाब। चलिए जी अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, मान लीजिए क्या है जी, ये मेरा, मेरे पास क्या है जी, ये मान लीजिए ये तीन पिक्चर देख लीजिए, ये मेरा क्या है जी, ये मेरा बीकर है। इस बीकर में दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे भी छेद है, यहाँ पे भी छेद है, यहाँ पे भी छेद है। तो ये अगर यहाँ का हमको प्रेशर पता करना है, यहाँ का प्रेशर पता करना है, यहाँ का प्रेशर पता करना है कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है, तो हम कैसे बता पाएंगे। तो उस प्रेशर को जानने के लिए देखिए अब क्या है जी, यहाँ पे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर में, क्या जी एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, लेकिन अब जैसे ही नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा, इस पानी का भी तो दबाव बढ़ता जाएगा। ये जो जो भी इसके ऊपर, अगर यहाँ पे है तो इसके ऊपर वाला पानी का दबाव, अगर यहाँ पे है तो इतना पानी का दबाव, यहाँ पे है तो इतना पानी का दबाव प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर सब में रहेगा, और यहाँ पे रहेंगे तो इस वाले पानी का भार प्लस एटमोस्फेरिक, यहाँ पे है तो इतना पानी का भार और क्या जी एटमोस्फेरिक, तो उस सब का भी भार जो है उस पर भी तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, फोर्स लग रहा है, तो उससे भी प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, गहराई के हिसाब से क्या होगा, डेप्थ के अनुसार क्या हो जाएगा जी, प्रेशर चेंज होता जाएगा यानी बढ़ता जाएगा जी, ठीक है ना। तो गहराई के हिसाब से क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि तो प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है जी, अगर लिक्विड में जा रहे हैं तो ये है द्रव में दाब का, यानी लिक्विड के अंदर जा रहे हैं तो दाब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बोला है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। चूंकि द्रव में अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः सभी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होगा। बोल रहा है देखिए जी, इसमें क्या है जी, मान लीजिए ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए द्रव का दाब है जो, ठीक है ना, बोल रहा है कि देखिए इसमें कोई मोशन नहीं है, तो क्या होगा, बोल रहा है कि सभी दिशाओं में समान रूप से गति कर रहा है जी, तो इसके जो द्रव के अणु है सभी समान दिशा में कर रहे हैं, अगर किसी बिंदु पर द्रव का दाब किसी भी सभी दिशाओं में समान रूप से होगा। ये देखिए अगर इस पॉइंट पे बात किया जाए, इधर की प्रेशर का बात किया जाए, इधर का बात किया जाए, इधर का बात किया जाए, इधर का बात किया जाए, तो क्या जाएगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अगर यही केस अगर ले लेते हैं कि ये मान लीजिए ये क्या करे, बीकर हम किसको ट्रेन पे रख देंगे, तो क्या होगा, एक गाड़ी जो भी व्हीकल है तो क्या होगा, वो स्पीड से चलेगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, जो ये पानी का प्रेशर है जी, आप कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पानी का जो लेयर हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी, पानी का लेयर कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी इसका हाइट इधर ज्यादा बढ़ जाएगा। ये क्यों हाइट बढ़ गया जी इधर, तो हाइट इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ये इसके इधर अगर वेलोसिटी हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो फोर्स करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इस साइड क्या हो जाएगा जी, वाटर का लेयर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हम केवल इस मोशन को हटाते हैं, अभी केवल बात कर रहे हैं कि इसमें कोई भी मोशन नहीं, तो हर जगह क्या होगा जी, परमाणु का इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। उसी बात को इसने लिखा है यहाँ पे, समझिए क्या लिख रहा है जी, लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं, चूंकि द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः इसे किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन से मूव करने लगे जो भी हमारा बीकर है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे प्रेशर चेंज होगा, लेकिन हम लोग अभी मान रहे हैं कि प्रेशर इतनी नहीं है जी, एक्सेलरेशन में नहीं है, कोई भी वेलोसिटी उस पर नहीं है। तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब की गणना करने के लिए, अब देखिए अब द्रव के अंदर जा रहे हैं तो गणना कैसे करेंगे, तो वही बोला है प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच, रो क्या है जी डेंसिटी है, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच क्या है जी हाइट है, यानी कितनी डेप्थ के अंदर हम जा रहे हैं द्रव की सतह में, वहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए हमको निकालना है इसका प्रेशर यहाँ पे कितना है, यहाँ इस पॉइंट पे कितना है, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एच पॉइंट पे निकालना है, एच पॉइंट के नीचे अंदर, तो क्या हो जाएगा पी नॉट, क्या है जी एटमोस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से लिख रहे हैं, या पी एटीएम लिख सकते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्लस अंदर जाएंगे तो बढ़ेगा क्या जी रो, रो इस जो भी लिक्विड होगा उसका रो लिखेंगे, जी और एच क्या है जी जितना डी रहेगा, तो रो जी एच या डी लिख लो, तो क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा पी एट पॉइंट पे,
मुझे जहां तक आपको लग रहा है कि ये समझ में आपको आ गया होगा जी। देखिए ये टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए इसको हमको पढ़ाना पड़ रहा है। ये आपको पता है कि सब प्लस टू वालों को भी पढ़ना था, ये सबको पढ़ना था, इसलिए इससे बनेगा ही क्वेश्चन। तो इसको समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ समझ में आए आपको। चलिए आगे बढ़ रहा है। बोला यदि ध्रुव में स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो। अब देखिए अब क्या है जी, अब स्वतंत्र जो ये मेरा था यहाँ पे क्या था, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा था, तो एटमोस्फेर तो कुल अगर जब नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ध्रुव पर कुल दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच, क्या हो जाएगा जी, रो जी एच। अब देखिए रो को कहीं कहीं डी भी लिख रहा है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग समझ जाइएगा रो या डी क्या है जी, डेंसिटी को ही डिनोट करता है। चलिए जी तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ध्रुव में कुल दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब प्लस रो जी एच, हमने ये आपको पहले ही बता दिया है। चलिए जी आगे बढ़िए। बोला तरल फ्लूड में पदार्थ जिनमें फ्लो का गुण होता है वो बर्तन के आकार के धारण करते हैं। बोला कोई भी फ्लूड है, इसका मतलब क्या है जी, अगर जिस जिस बर्तन में रहेंगे उसी का आकार वो क्या करेगा, एक्युपाई कर लेगा, वैसा ही हो जाएगा। इस तरह द्रव लिक्विड और गैस दोनों तरह तरल होते हैं। इस तरह बोला है कुछ लिक्विड भी है कुछ गैस भी होता है, क्या होता है, तरल होता है जी। तो उसी के अनुसार हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे जी। अब द्रव दाब का नियम, अब द्रव दाब का नियम है जी, तो चलिए अब द्रव दाब का नियम तो हमने पढ़ रखा है, अब उसमें देखते हैं जी किसमें क्या क्या है। तीन फिगर हमको दिया गया है, कौन कौन सा फिगर दिया है जी, तीन फिगर दिया गया। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया कि यहां से यहां तक क्या है जी, गहराई ए है, यहां से यहां गहराई क्या है बी है, यहां से यहां गहराई क्या है सी है। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब बोल रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है, जब पानी भरा हुआ है तो पानी यहां से गिरेगा, तो कौन पानी ज्यादा गिरेगा, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, दूर जाकर गिरेगा। तो अगर बात की जाए इसमें प्रेशर किसका है, तो प्रेशर इस पे ज्यादा होगा ना, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर सब में बराबर है, लेकिन जितना हाइट बढ़ेगा क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, क्या होगा, ये ज्यादा दूर जाके गिरेगा। यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा तो उससे कम दूरी पर गिरेगा, यहाँ प्रेशर और भी कम हो जाएगा उससे कम दूरी पर गिरेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो क्या जाएगा, दूर जाके गिरेगा, ठीक है जी। चलिए अब आगे है, देखिए ये अगर मान लीजिए ये पॉइंट तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट क्या है अलग अलग जगह पर लिया, लेकिन सेम ही लेवल पे है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर सबका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए जी इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ऐसा एक मेरे पास क्या है बर्तन है जो क्या है जी, इधर अलग शेप है, इधर अलग शेप है, यहाँ पे अलग शेप है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि आपको जो बताना है यहाँ पे जी, अच्छा जी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर। देखिए हमको तो यहाँ पे जब भी जाएंगे, यहाँ पे जब भी जाएंगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, तो तीनों क्या होगा जी, बराबर होगा। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि एच गहराई तक नीचे गए, यहाँ पे आ गए जी इसके नीचे, यहाँ पे आ गए इसके नीचे, यहाँ पे आ गए इसके नीचे, तो यहां से यहां तक तो क्या है जी, डेप्थ बराबर है, यहाँ पे भी क्या है बराबर है, यहाँ पे भी क्या है बराबर है, यानी तीनों बराबर है, तो भी क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम ही लेयर में रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा। चाहे इस लेयर पे रहे सेम लेयर पे तो भी प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को नहीं समझ में आया होगा तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर वीडियो को क्या करें जी, फिर से दोबारा देखने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको ये लेक्चर समझ में आए। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है जी कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है, यानी कितना नीचे जा रहे हैं उस गहराई पर डिपेंड करता है। अगर गहराई सबका बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन बात की जाए यहाँ पे सब में वाटर भरा है जी। अगर मान लीजिए इसी बात को मान लिया जाए, अगर इसमें होता कुछ ऐसा डायग्राम होता, जैसे मान लीजिए इसको क्या है जी, ये कनेक्टेड नहीं है और ये इधर है, इधर है, और ए किसी और लिक्विड से भरा है, ए किसी और लिक्विड से भरा है। क्वेश्चन को समझिएगा, ए किसी और लिक्विड से भरा है, एक किसी और लिक्विड से बना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा जी, हमारे फॉर्मूला के अनुसार तो क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है जी, पी नॉट यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो एच तो सेम रहा लेकिन रो डेंसिटी चेंज होगा ना, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी हो जाएगा, तो अगर डेंसिटी चेंज हो जाएगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें अगर दूसरा लिक्विड है, इसमें दूसरा लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये बंद है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। हाइट सेम रहने के बावजूद भी क्या होगा, प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज था। अब तक अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जिससे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ेगा तो क्या होगा, द्रव का दाब बढ़ेगा, चाहे लिक्विड कोई भी हो, लेकिन क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी, ठीक है। एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है,
एक ही जगह पे क्या होता है, चारों ओर क्या होता है, समान होता है। किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल से स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव का दाब सिर्फ उसी ऊर्ध्वाधर गहराई h पर निर्भर करता है, न कि नली की आकार चौड़ाई। बोला है कि इसका आकार कुछ भी हो, चौड़ाई कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इसका चौड़ाई क्या है, कम, इसका चौड़ाई ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि चौड़ाई पर डिपेंड करेगा। तो उसकी बस केवल किस पर डिपेंड करेगा जी, तो गहराई पे करेगा। और लिक्विड जो जो लिक्विड का डेंसिटी है, यानी हम कौन सा लिक्विड लिए हैं, उस पर डिपेंड करेगा जी। तो हम लोगों ने यहां तक समझ रखा है कि अब गहराई पे क्या है जी, डिपेंड करता है। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात अधिक घनत्व वाला दाब का अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब क्या हो जाएगा, अधिक भी हो सकता है। ठीक है जी, तो यहां पे भी देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल, पास्कल का लॉ। अब हमने प्रेशर पढ़ा, तो प्रेशर का किसने डिफिनेशन दिया था जी, प्रेशर का हमने यूनिट भी पढ़ा है पास्कल। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेशर को जो भी डिफाइन किया, डिस्कवर किया, कुछ नहीं होगा, पास्कल ने ही किया होगा। तो इसलिए पास्कल के नियम बोला जाता है, प्रेशर से जो भी रिलेटेड है उनको पास्कल का नियम दिया गया है जी। क्वेश्चन जो भी आपको ना समझ में आएगा प्लीज आप कमेंट कीजिएगा जी, जो भी टॉपिक छूट गया उसको भी बता दीजिएगा। एक्चुअली एक टॉपिक छूट गया था जिसकी वजह से हम लोग का कोर्स डिले हो गया, नहीं तो हम लोग का कोर्स तो बहुत पहले खत्म हो गया था और मैं इधर भी लूज हो गया इसीलिए। चलिए, यदि गुरुत्वीय प्रभाव के बोला है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। द्रव गुरुत्वीय बल के प्रभावी मानने की गहराई के साथ साथ द्रव दाब बढ़ता जाता है। बोला है गुरुत्वीय बल को प्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है, परंतु समान गहराई पर द्रव दाब तब भी समान होता है। किसी बर्तन के द्रव, यानी किसी बर्तन के, देखिए वो क्या है कि एच सेम रहेगा तो बोल रहा है क्या हो जाएगा जी, प्रेशर सेम हो जाएगा अगर सेम लिक्विड है तो। अगर किसी बर्तन में द्रव की किसी भी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित कर दिए जाए तो बर्तन का आकार द्रव दाब को प्रभावित नहीं करता। देखिए अगर बर्तन का आकार है, वही सब हमने जो पीछे पढ़े हैं, वही सब क्या है जी, वही सब लिखा हुआ है। हम लोग क्या किए हैं, प्रैक्टिकली उसको हम लोग नोटिस कर लिए हैं, वही सब बातें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जी। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट पढ़ लेता हूं मैं, उसके बाद आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। देखिए बोला है पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव चालित यंत्र बनाए गए हैं, जैसे हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है पास्कल के ही नियम में बताया गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हाइड्रोलिक प्रेशर का कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ यहाँ तो इमेज नहीं दिखा रखा है। जैसे मान लीजिए जी फिगर है, एक ये है, ठीक है जी, एक ये है, समझिएगा। ठीक है जी, अब देखिए ये लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड से भी काम किया जा सकता है, गैस से भी काम किया जाता है। ये सेम लेवल है, यहीं तक, यहां तक सेम लेवल है। ठीक है जी, यहां तक लिक्विड है आपको सब। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे प्रेशर सेम है, यहां पे प्रेशर सेम है। ठीक है जी, यहां पे क्या है जी, प्रेशर सेम है, यहां पे प्रेशर क्या है, सेम है। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है जी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब देखिए तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर गुने एरिया। ठीक है जी, इसका मतलब हुआ कि अगर प्रेशर यहां पे सेम है तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है जी, अगर मान लीजिए यहां पे हमको 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है, यानी 100 न्यूटन का अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको दिया गया है उसको अगर उठाना है, ठीक है जी, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, इसका एरिया हम ले लेते हैं क्या जी, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा 100 अपॉन 10, यानी 10 पास्कल का प्रेशर हमको यहां पे चाहिए। तो अब बात की जाए यहां पे 10 का प्रेशर चाहिए, यहाँ पे क्या है जी प्रेशर, यहाँ पे एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। क्या है जी, 1 मीटर स्क्वायर, इस बात को समझिएगा जी, 1 मीटर स्क्वायर है। थोड़ा सा मैं गंदा लिखता हूँ लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो देखिए यहाँ प्रेशर सेम होगा, तो चलिए जी यहाँ प्रेशर हम निकाल लिया कितना, 10 पास्कल। यहाँ पे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उसके लिए, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर क्या है जी, प्रेशर हमारा 10 आया था, एरिया क्या है 1 है, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी
समझिए, यहां पे हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जी, 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी अगर यहां पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम 100 न्यूटन का, यानी 100 न्यूटन का क्या है जी, ऑब्जेक्ट को हम उठा सकते हैं। 100 न्यूटन का अगर कोई वेट है, कोई ऑब्जेक्ट का वेट है, तो हम उसको उठा सकते हैं। तो देखिए, हमने 10 को कितना में कन्वर्ट कर दिया, 10 न्यूटन को हमने कितने में कर दिया, 100 में कन्वर्ट कर दिया जी। यानी इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यानी हम एरिया चेंज करके क्या कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं। वही बात की जाए जो आपको फोर व्हीलर्स में होते हैं जी, क्या होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक होते हैं, जो आपको क्या करता है उसको उठाता है। तो वो सब किस कंसेप्ट से उठाया जाता है, इसी कंसेप्ट से उठाया जाता है, उसमें गैस लिया जाता है या कोई लिक्विड भी लेकर किया जा सकता है काम। तो आजकल तो क्या है जी, गैस से भी बहुत सारे गैस भी यूज किए जा रहे हैं, और क्या है जी, लिक्विड भी यूज किए जा रहे हैं, और उसी से क्या है जी, हाइड्रोलिक प्रेशर बनाया गया। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, वही है हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, सब वही कंसेप्ट है। बस उसी कंसेप्ट को हमने 10 न्यूटन का जो फोर्स लगा वो 100 न्यूटन को उठाने के लिए काम कर रहा है जी। तो अब वो एरिया पे है, यानी एरिया हम जैसे जैसे क्या करेंगे, घटा बढ़ा सकते हैं अपने यूज के अनुसार। अगर मान लीजिए इसको घटाना चाहेंगे तो घटा लेंगे, बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा लेंगे जी। चलिए, यह मशीन पास्कल के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करता है। द्रव लगभग असंपिंडीय होते हैं, अर्थात दाब देकर उन्हें आयतन में घटाया नहीं या बढ़ाया नहीं जा सकता। बोला है कि जो द्रव होता है उसको दाब देने पर घटा बढ़ नहीं सकता है जी, इसलिए क्या होता है, असंपिंडीय होता है, किसी भी दाब के अधीन किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। बोला है किसी भी दाब के अधीन किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं, इसका मतलब क्या है जी, जो दाब देकर हम क्या कर सकते हैं, बोला है किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं, यानी क्या है जी, उसको जो पार्टिकुलर प्रेशर होगा उसके भाग में हम उसी गहराई पे क्या हो सकता है पहुंचेंगे, तो क्या मिलेगा, सेम ही प्रेशर मिलेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला है दाब पर आधारित उदाहरण। चलिए जी, अब ने हमने कंसेप्ट समझ रखा है, अगर जो चीज भी हम जानते होंगे, देखिए अब जो चाकू है जो ब्लंट रहता है, यानी क्या है जी, जो मोथरा है, मतलब क्या है जी, जिसमें धार नहीं है, जो चाकू धार नहीं होगा उसमें क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को काटने के लिए क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि उसपे एरिया क्या हो रहा है जी, देखिए अब मान लीजिए एक क्या है जी, एक मेरा ऐसा है सिलेंडर, क्या है, चिजल है, चिजल हमने क्या तरह पढ़ा है, दो तीन तरह का पढ़ा है ना, मान लीजिए चिजल का ऐसा है जी, एक चिजल क्या है जी, ऐसा है जो क्या है, ऐसे है, ठीक है जी, एक कील है, मान लीजिए एक कील है, तो किले से आगे हो जाता है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे प्रेशर किस पे ज्यादा होगा, देखिए सब पे मान लीजिए फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, फोर्स तो सेम लगा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स सेम है, अगर एरिया जिसका कम हो जाएगा, एरिया जिसका कम हो जाएगा प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस पे एरिया कम है, इसका एरिया क्या है जी, उससे भी ज्यादा है, यानी इसको थोड़ा सा ऐसा चिजल है, चिजल कैसा होता है, ऐसा होता है जी, यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, शीर्ष बना रहे, ऐसा होता है चिजल थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो उस पर क्या हो जाएगा, और भी कम प्रेशर हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, और भी कम प्रेशर हो जाएगा। तो इस पे प्रेशर ज्यादा है तो क्या होता है, दीवार के अंदर क्या होता है, घुस जाता है जी, दीवार के अंदर क्या होता है, जल्दी से अंदर जाता है, ये क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जाएगा भी नहीं। तो यही कंसेप्ट है जी किसका, हमने पास्कल पे वही बोला कि दाब पर आधारित उदाहरण है जी। तो वही ब्लंट जो चाकू रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, तो धार तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो स्टीम धार जो होगा ज्यादा नुकीला नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से नहीं काटेगा, उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही प्रेशर के लिए। भारी बोझ उठाने के लिए ट्रकों में टायर चौड़े बनाए जाते हैं। बोलिए, अगर चौड़ा रहेगा टायर तो क्या होगा जी, जल्दी से उठेगा, अगर पतला रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, क्या रहेगा, ट्रक का पहिया क्या चला जाएगा, आपको अंदर में चला जाएगा जी, रोड के अंदर चला जाएगा, यानी अगर मिट्टी वगैरह पे क्या हो जाएगा, मिट्टी के अंदर चली जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ढोने में तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए क्या होता है, ट्रक के टायर वगैरह क्या होता है, आपने सिक्स व्हीलर जो भी होंगे, आपको ट्रैक्टर का दिखेगा सबसे ज्यादा चौड़ा रहता है, ट्रक का चौड़ा रहता है, ठीक है ना, जो भी लोड यानी उस पर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, लोड ज्यादा होता है जी, तो उनके लिए क्या होता है, चौड़े बनाए जाते हैं। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही रिसने लगती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। देखिए अब क्या है जी, वायुमंडल का दाब क्या है जी, कम हो जाता है, और प्रेशर का दाब उतना ही रहता है, तो फाउंटेन पेन क्या सही क्या रहता है, बाहर आने लगता है, या कोई अगर मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ता है तो क्या होता है, उसके खून आने लगता है नाक से, तो क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या होता है जी, प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ पे प्रेशर उसको ज्यादा सहने की आदत रहती है, जिससे क्या होता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर
प्रेशर ज्यादा रहता है, बॉडी के अंदर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और बाहर जैसे ऊपर जाता है तो वहां पे तो क्या होता है, बॉडी का तो ज्यादा रहेगा और बाहर में प्रेशर कम हो गया, क्योंकि हाइट के साथ क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो उससे क्या होता है, नाक से खून आने लगता है। तो ये सब क्या है, दाब पर आधारित क्या उदाहरण है। तो इन सब कंसेप्ट को अगर याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं इसको आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। अगर स्पीड ज्यादा स्लो लग रहा होगा तो आप इसको फास्ट करके आप वीडियो को देख सकते हैं जी। चलते हैं, बात करते हैं गलनांग एक क्वथनांग पर, दाब के प्रभाव। तो गलनांग और क्वथनांग पर क्या होता है जी, गलनांग देखिए नीचे होता है, क्वथनांग ऊपर होता है, तो गलनांग कम हो जाएगा, क्वथनांग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। गलनांग नीचे चला जाएगा, क्वथनांग ऊपर चल जाएगा। ये ट्रिक याद रखिए कि गलनांग नीचे चल जाएगा, क्वथनांग क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा जी। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक जी, तो गलनांग और क्वथनांग पढ़ेंगे, जो दबाव के कारण घटता है या बढ़ता है, किस तरह बढ़ता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, और आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा दें, और अगर आपने ज्वाइन बटन दिख रहा है तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक कर दें। जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करता हूं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें, और एंजॉय एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।